हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे हम जा रहे हैं जनरल फील्ड रोइंग का, जहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आप सबको भी हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीधा वहीं पे चलते हैं और आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यूज। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं फील्ड, और भाई साहब यहाँ तो कुछ इस तरह से वो हुआ है कि इसे कुछ हुआ ही नहीं, और मांस पास के लिए सब आके बैठ गए हैं और सब कोई, और काफी भीड़ भी दिख रहा है एज लाइक नॉर्मल डेज। ओ भाई, और मांस पास के सब आ गए हैं। ये वाला मैं हमेशा मिस कर जाता हूँ, पता नहीं आते थे, देर हो जाता है। ये देखिए गाइस, पूरा खचाखच भरा हुआ चारों तरफ से। मैं अदर साइड आया हूँ फील्ड के। ये ट्रैक्टर किस लिए रखा है, दिखाने के लिए शायद। भीड़ तो काफी दिख रहा है गाइस, और साथ ही दुकान सब भी काफी लगे हैं, एग्जीबिशन भी इधर लगे हैं। ओ भाई, नीना सेल्फ हेल्प ग्रुप राइंस, अच्छा से सब खुद लगाए हैं ना, अच्छा सब खुद बनाए हैं ऑर्गेनिक आइटम्स। तो खुद बनाया हुआ है गाइस, सब के रेट फिक्स कर दिया गया है, और सब लोकल चीज ना। एक सॉरी खाली छोड़ा है एग्रीकल्चर मशीनरी हायरिंग सेंटर, अच्छा इसके लिए वो ट्रैक्टर सब होगा एग्रीकल्चर के लिए, जो जो मशीनरी सकते हैं सब ये लोग लेके रखे हैं, हायरिंग कर सकते हैं। ओके, तमक सिरम PLG TSP। तो यहाँ पे भी सब लोकल्स ऑर्गेनिक चीजें, अच्छा जो इन्होंने खुद उगाए हैं वो सब, और यहाँ में है नियामने सिरम SHG। यहाँ में सब कपड़ा, सब मेखला सादोर बैग, और ये तो सब के साथ रखा ही है। और इधर अंदर कुछ लिखा नहीं, पर इधर भी सब एज यू कैन सी खुद से बनाया हैंडमेड चीज, ऑर्गेनिक चीजें हैं, और ये तो खाली है फिलहाल के लिए, लीगल मेटल एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, एग्जीबिशन और लगा है, सब कुछ हैंडक्राफ्ट, तो खुद से जो बनाया ना, मेखला चादर कोट मफलर, DRDA का स्टॉल, अच्छा तो यहीं से अगर आगे बढ़ते हुए हमको दिखेगा कुछ और एग्रीकल्चर, क्या क्या हॉर्टिकल्चर का, फिशरी का, और एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, साथ में मेडिकल सब है ना। तो मार्च पास स्टार्ट होने वाला है गाइस, नानी
आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि ये बीमारी कम जरूर हुई है लेकिन अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अतः सभी मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, साफ सफाई बरते जब तक सबको इसका टीका नहीं लग जाता। इस महामारी में जिला के प्रशासनिक अधिकारियों गण भी मदद कर पाते हैं जिन्होंने हर कदम पर बीमारी से लड़ने के लिए अपना सहयोग। ऐसा भी एग्जीबिशन रखना चाहे था इन्हें कि जो मास्क नहीं पहन के आए हैं, मास्क लाना भूल गए हैं मेरी तरह, वो शायद यहाँ से मास्क खरीद सके या फिर ले सके। जिन्होंने कोई नहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने में अभूतपूर्व योगदान दिया। विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कोरोना वायरस के रूप में कोरोना सेंटर पर साथ ही साथ गूगल मीट या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शिक्षा को भी बाधित नहीं होने दिया। ग्रेट पॉइंट सर, ग्रेट पॉइंट। आंगनवाड़ी हेल्पर्स और आशा वर्कर्स द्वारा किए गए कार्यों की भी प्रशंसा करता हूं। अच्छा पॉइंट उठाया सर ने, भले वो साथियों इन तमाम विघ्न बाधाओं के बावजूद भी हमने जिले के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। सभी विभाग गाड़ी पे रिसेंटली फ्लैग होस्टिंग होके नेशनल एंथम गाने के बाद चीफ गेस्ट तो यहाँ से सब आना जाना हुआ है हमको लगता है। नाउ आई एम एट द अदर साइड ऑफ द फील्ड, वो लेफ्ट साइड था तो मैं राइट साइड हूँ, ठीक है, और ऊपर की ओर। और यहाँ पे काफी भीड़ है गाइस, एज यू कैन सी काफी भीड़ है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दैट साइड, क्योंकि इधर ज्यादा छांव है ना, पेड़ पौधे ज्यादा हैं। ये सब पेड़ काफी लगे हैं गाइस इधर, और बैठने के लिए जगह भी है छांव में, तो इसलिए काफी सारे लोग ये साइड में, ज्यादा भीड़ ये और वो साइड ना जो गैलरीज है वहाँ बैठने के लिए, एज कम्पेयर टू दैट साइड। भले उधर दुकान वकान कुछ कुछ लगा हो खाने पीने के लिए, ऐसा हो रहा है गाइस। तो वो आफ्टर COVID-19 पैंडेमिक इतना भीड़ एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर एज मेनी टाइम्स सुना बहुत देर तक, क्या कहते हैं इसे, अरुणाचल ग्रीन जोन था, दैट्स व्हाई क्या कहते हैं इसे, इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है क्योंकि ज़्यादा प्रिकॉशन का यूज़ ना करते हुए एस। और फिलहाल मार्च पास एक राउंड हो गया है और चीफ गेस्ट का स्पीच चल रहा है, उसके बाद फिर मार्चपास्ट होगा, उसके बाद एक दो प्रोग्राम्स रखे हैं वो सब परफॉर्म किए जाएंगे बाय द स्कूल्स, जो जो स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद शायद सब कंक्लूड होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, तो बने रहिए इस वीडियो पे लास्ट तक। ओ भाई गाइस, भीड़ देखो भीड़, मैं भी इस छांव के नीचे खड़ा हूँ इस पेड़ के, थैंक्स टू दिस ट्री काफ़ी अच्छा छांव मिल रहा है। और पिछला जब हुआ था पिछला बार तो ये सब जो है वो सब पूरा फुल था, ठीक है, 26 जनवरी को, पर अभी देखिए धूप है तो इसलिए ज़्यादातर आदमी छांव प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे रहने के बजाय। और ये काफ़ी इस बार दूर बना दिया लग रहा है ना, पहले थोड़ा ये यहाँ तक होता था तब उन सबको दिखाई मिलता था, काफ़ी दूर से तो इतना से दिखाई नहीं देगा। और क्या कहते हैं इसे, और जो पिछला बार का इंडिपेंडेंस डे था, जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं, ये आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो, कि ये जो था ये जो बाउंड्रीज यहीं से लगा दिया था, ठीक है, आधा से, क्योंकि उस टाइम तो पेंडेमिक चल रहा था, सो ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर सके थे, सिर्फ फ्लैग होस्टिंग के कुछ स्पीचेस दिए और कर दिया। पर अभी तो फिलहाल गाइस एग्जीबिशंस लगे हैं, दुकान सब लगे हैं खाने पीने के, और आदमी भी काफ़ी सारे भीड़ हैं, तो और ज़्यादातर तो प्रिकॉशंस भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे कि मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ग्लव्स हो गया। गाइस एज कम्पेयर टू द इंडिपेंडेंस डे कितना भीड़ है, और गाड़ियाँ भी काफ़ी लगे हुए हैं, साथ में फायर ब्रिगेड की भी, ताकि कुछ इनकेस ऑफ एमरजेंसी। और रास्ते में भी काफ़ी सारे भीड़ है, वहाँ पे देखने वाले भी काफ़ी सारे आए हुए हैं। और ये है एग्जीबिशन तक घुसने का रास्ता, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है। खाली
तो इनॉग्रेशन किया जाएगा ये एग्जीबिशन सबका बाय चीफ गेस्ट ऐसा बताया गया है गाइस। एग्जीबिशन सब चीफ गेस्ट है बहुत कुछ बहुत सरकारी योजनाएं हैं इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। साथ में जाते हैं पूछेंगे अब अपना टूरिस्ट क्लियर कर सकते हैं कुछ कुछ ऐसी योजनाएं हैं इसके बारे में हमको नहीं ले सकते आप साथ में जाएंगे और जानकारी हासिल कर पाएंगे। अब चीफ गेस्ट सब एक एक करके सब एग्जीबिशन स्टॉल्स पे घुस के देखेंगे पूछेंगे जानकारी लेंगे किस चीज का एग्जीबिशन हॉल्स खोले हैं क्या कैसा कुछ है। तो वही गाइस कि इसी अवसर पर 2 बजे से डीसी 11 वर्सेस एमएलए 11 का फुटबॉल मैच होगा एक और ज्यादातर लोग इस टाइम क्या करते हैं इधर से उधर भटकते रहते हैं कुछ खाते रहते हैं कुछ करते रहते हैं और जो क्या कहते हैं इसे चीफ गेस्ट है यहाँ पे और सबके उनके साथ हम सब भी लगे हुए हैं देखने के लिए क्या किस बात है। तो ये इंता है पब्लिक स्कूल का लड़कियों का डांस। तो गाइस यही था रिपब्लिक डे का वीडियो और कुछ एक प्रोग्राम खत्म होगा पर मेरे को थोड़ा घर जाना है क्योंकि थोड़ा कुछ काम है। तो गाइस यहाँ पे तो इस तरह से सेलिब्रेट किया गया रिपब्लिक डे। तो आप लोग उधर कैसे सेलिब्रेट किया लेट में नॉइज कमेंट। तो यार गाइस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाई फाइव। ठीक ऑपोजिट साइड पे आया हूँ मतलब वो ईस्ट उधर से धूप निकलती इधर वेस्ट ठीक है। और ऐसा कि आप लोग देख सक रहे हैं काफ़ी भीड़ खचक खच भरा हुआ ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस कुछ तो यहाँ पे आया ही नहीं था बोले।